जो पेशेंट होता है या एडिक्ट होता है तो उसमें गिल्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ शेम होती है। फर्क क्या है? उसका जो शेम ये है कि जो उसे छुपने पे मजबूर कर रही है, गिल्ट वो है जो इसलाई कदम उठाने पे मजबूर करता है। तो उसको इसलाई कदम उठाने पे कोई चीज़ मजबूर नहीं कर रही होती क्योंकि उसे गिल्ट नहीं हो रहा होता। गिल्ट इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो ड्रग कर रहा होता है। ड्रग जो है वो उस गिल्ट को या एहसास नदामत को भी मिटा देती है। रात 2 बजे वो घर आया, वालिद ने थोड़ी 2-3 जली कटी सुना दी है, तो वो एक सिगरेट जो है नशे का वो उसकी मार है और वो सोचता है कि कर लो जो करना है, मैं तो अभी थोड़ी देर में सेट हो जाऊंगा। तो जब कोई ड्रग्स कर रहा होता है तो वो गिल्ट महसूस नहीं करता, वो एंग्जाइटी भी महसूस नहीं करता क्योंकि ड्रग्स उसकी दर्द को, एंग्जाइटी को, उसके गिल्ट को, सबको ख़त्म कर रही होती है। लेकिन फैमिली में शेम होती है और चूंकि फैमिली ड्रग्स नहीं कर रही होती तो फैमिली गिल्ट में चली जाती है कि ये जो बार बार कह रहा है कि आपकी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ, ये जो आपका सारा कसूर है, वो जो सब ये जब बात करता है कि ये आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ, तो बार बार रेपिटेशन की वजह से कुछ फैमिली मेम्बर ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ कह तो ठीक ही रहा है, हमने इससे प्यार नहीं किया तो ये ठीक ही कह रहा है, और फैमिली के अंदर जो है वो गिल्ट आ जाता है और फिर वो एक आगे कदम बढ़ाता है जो एडिक्ट तो या सर ऐसी एल्कोहलिक है। सिचुएशन में तो इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली के अपने जो ब्लॉकेजेस हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, वो कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, वो चूंकि ऑब्जेक्टिवली नहीं ट्रेंड देख नहीं पा होते रहे ना, हैं। वो कॉमन सेंस तरीकों से बड़े होते हैं। सारी फैमिलीज ऐसे करती है, किसी फैमिली का कसूर नहीं होता। इस सिचुएशन में सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए मलेरिया होता है तो लोग कंबल डाल रहे होते हैं उस बंदे पे कि इसको कांप रहा है, हालांकि उसको कांप रहा होता है पर सर्दी नहीं लग रही होती। आप जितने मर्जी कंबल डालें नेचुरली वो कांप ही जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस ये कहेगी कि जो बंदा कांप रहा है ये ज़रूर इसको सर्दी लग रही होगी और इसके ऊपर रज़ाई डाल दें। अच्छा, अब जब गिल्ट में फैमिली मुब्तला हो जाती है, कामयाबी से वो बंदा बात करते हुए उसे गिल्ट में मुब्तला कर देता है, तो वो अगला स्टेप फिर लेता है, कहता है मैं बेचारा, मेरे ये जो हालात, मेरे जो दोस्त हैं उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, एक मेरा दोस्त डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है और मैं अभी देखो मेरे क्या हालात हैं, मैं बेचारा जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और वो उनको अब किसी फेवर पे मजबूर कर रहा होता है। तो फिर वो सोचता है कि कहीं ये कोई इलाज मुआलजे की बात ना करें, कहीं ये नशा छुड़ाने की बात ना करें या मेरे पैसे ना रोक लें। तो फिर वो थ्रेट करता है कि खबरदार, अगर कोई अब मेरे इन बुरे हालात में किसी ने स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की, मेरे पैसे रोकने की कोशिश की या मेरी सहूलतें रोकने की कोशिश की या मेरे साथ तावन ना किया, तो खबर फिर देखना मैं क्या करता हूँ, मैं कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे, मैं फिर अपने आप को कुछ कर लूँगा और मैं घर से चला जाऊंगा, मैं तोड़फोड़ कर दूंगा चीज़ों की। और सडनली वो देखता है कि अब यहाँ तक काम बड़ा कामयाबी से सही हो गया है, तो अब कहता है वैसे मैंने सोचा था कि अगले महीने नशा छोड़ दूंगा, मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मैं नथिया गली जाऊंगा और जाके तो वहाँ मैं चंद दिन के अंदर अंदर बिल्कुल मैं क्लीन हो जाऊंगा, ऐसे मैं कुछ करूंगा, ऐसा मैं यूं करूंगा या मैं तो अगले महीने मैंने छोड़ ही देना है नशा, कुछ पैसे निकाले। तो घर वाले जब ये सुनते हैं कि थ्रेट तो हमें बारे में नहीं है पर ये नशा छोड़ने की जो बात कह रहा है, तो बीच में एक बोलता है, कहते हैं हाँ कह तो रहा है ना छोड़ देगा, बच्चे की जान लोगे क्या, तो 25,000 ही मांग रहा है ना बीच में, तो वो साथ ही एक फ्रिंज बेनिफिट लेने के लिए वो 25,000 मांग लेगा, क्योंकि 25,000 देंगे तो वो छोड़ने का मंसूबा कायम रहेगा। तो गिल्ट इंड्यूस करना, विक्रम विक्टम स्टांस लेना, फिर थ्रेट करना और फिर एक होप दिलाना कि मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बस अगले महीने, अगले हफ्ते या किसी मुनासिब मौके पे 30 फरवरी को या किसी और दिन मैं नशा छोड़ दूंगा, बस मुझे आप फिलहाल गाड़ी ले दें। सर फैमिली भी तो ये सुनना चाह रही होती है, ये वाला जो लास्ट फैमिली आपने तो बताया। बहुत ज़ोर से ये सुनना चाह रही होती है कि चारों ऑप्शंस में से जो फैमिली को बेहतरीन लगती है पिछली वो ये है कि ये नशा छोड़ने की बात कर रहा है, वो भी फुला देती बाकी है। तो उनको बारे में नहीं है, लेकिन ये बात कि वो नशा छोड़ने की बात कर रहा है, जो वो थ्रेट्स दे रहा है वो बारे में नहीं है,
जो गिल्ट इंड्यूस कर रहा है वो बारे में नहीं है, विक्टम स्टांस से भी तकलीफ होती है। लेकिन ये बात बहुत प्यारी बात लगती है, जैसे वो कोई खातून सड़क पे एक्सीडेंट में गिर गई और सब ने कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ, इसको पानी के छींटे मारो, इसको ये करो, तो एक बंदे ने भी कहा भैया दूध जलेबियाँ खिलाओ, फिर दूसरे लोग मशवरे देने लगे कि नहीं अस्पताल ही ले जाओ, नहीं इसके हाथ पांव दबाओ। तो कहती है वो जलेबियों वाले की बात तो सुनो। तो मतलब ये है कि वो जब कहता है कि ये बीच में मैं छोड़ दूंगा नशा, तो घर वाले इसको बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस आइटम को बाय करते हैं। तो बाय करने तो कुछ प्राइस तो देनी ही पड़ती है, 25,000 रुपये प्राइस तो फिर देनी ही पड़ेगी। इसी तरह किसी भी रिश्ते में मियाँ बीवी भी जब कमरे में बात कर रहे होते हैं, कोई आपस में चिख चिख चल रही होती है, मुसलसल चल रही होती है, और बात ये शेम की है, कोई नहीं चाहता कि बाहर लोगों को पता चले कि उसकी जो खानगी ज़िंदगी है उसमें कुछ टर्बुलेंस है, तो ज्ञानी है, और दोनों में इस पे इत्तफाक होता है कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, और उसमें भी एक गलती कर रहा होता है तो उसको ये बहुत सूट करता है, और जो गलती नहीं कर रहा होता, निभा कर रहा होता है, तो उसको ये बात सूट नहीं करती। पर दोनों का इस चीज़ पे कंसेंसस है कि बात बाहर नहीं जाएगी, और जिसको ये पता हो कि बात बाहर नहीं जाएगी और वो डिफ़ॉल्टर है तो वो गलत बात पे अड़ा रहेगा, वो गलत लॉजिक देगा, वो कहेगा मुझे नहीं परवाह, मेरी बात मानो नहीं तो मैंने नहीं बसना, या इस तरह की बात जो चल रही होगी। और कोई कायदा कानून, कोई लॉ, कोई अखलाकियात, कोई सच और गलत बात वो खातर में नहीं लाएगा या नहीं लाएगी, और वो अपनी बात पे मुसम्मम इरादा करके कोई खड़ा रहेगा कि आखिरकार शेम जो है वो मेरा साथ देगी, मेरे खामद या बीवी की जो शेम है वो मुझे तहफ़ देगी। खामद बीवियों पे हाथ उठाते हैं, नील डाल देते हैं, आप अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि लोग ये बातें शेयर करने लगे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 4.5 साल तक, एक रिसर्च बताती है कि 4.5 साल तक खामद बीवी को मारता रहता है, और बीवी किसी को नहीं बताती, बच्चों को नहीं बताती, घर के मुलाजमों को पता नहीं चलने देते, अपने सगी माँ को नहीं बताती, अपने वालिद को नहीं बताती, और कहती कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मुझे यूं हो गया था, मुझे फलां जगह चोट लग गई थी, या मेकअप के तहों के नीचे उसको छुपाना, हालांकि बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये बात ज़रा शेम वाली है कि मेरी पिटाई होती है मेरे खामद के हाथों, और इस दौरान बहुत सारा वक्त गुजरता रहता है, और पुलों के नीचे बहुत पानी गुजरता रहता है, और हालात काबू में न लाएं तो हालात बेकाबू हो जाते हैं और सारी माला टूट जाती है और मोती सारे बिखर जाते हैं।